हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बात की थी OSI मॉडल की। मैंने आपको प्रोटोकॉल OSI प्रोटोकॉल या OSI मॉडल के बारे में बताया था, और हमने ये बात की थी कि ये किस तरीके से ये इसके लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेयर्स हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि लेयर बनी हुई आपको फिजिकली कहीं दिखाई दें कि भाई ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तीसरी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स का आपस में कम्युनिकेशन करने के रूल्स हैं कि ये जब इससे कम्युनिकेट करेगा तो कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये लेवल का, इस लेवल पर कोई है या इस लेवल पर कोई फाइल है तो वो उसी नेटवर्क में या उस नेटवर्क से आगे, उस नेटवर्क के अंदर किसी दूसरी मशीन के ऊपर कम्युनिकेट करना चाहते हैं सेम लेवल पर, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो हमने उसमें बताया था कि यहाँ सेवन लेयर्स हैं। सेवन लेयर्स के अंदर 1 2 3 4 5, जो फाइव पहली फाइव हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, इसमें पहली जो फोर है, फोर का आपस में, फोर के अंदर क्या होता है कि दूसरी मशीन्स के साथ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। जबकि नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर्स की हम बात करते हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट होता है दूसरी मशीन, सॉरी, दूसरी मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने में। तो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का डायरेक्ट लिंक है कम्युनिकेशन के अंदर। और हमारा ये जो पहली चार लेयर्स हैं वो एक मशीन के अंदर है, एक नोड के अंदर है, आप ये कह सकते हो एक जो डिवाइस है उसके अंदर है, तो इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर रोल नहीं होता। ये प्रिपेयर करते हैं आपके डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा कि इनका कोई भी रोल नहीं है, मैं कह रहा हूँ इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये आपके डाटा को, जो भी आपको डाटा ट्रांसमिट करना है उसको प्रिपेयर करते हैं, ट्रांसमिट करने लायक बनाते हैं। यदि ये इनका एक्शन नहीं होगा तो ये यहाँ तक जो डाटा पहुँचेगा वो इस तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा कि उसको आप सेफली कम्युनिकेट कर पाओ। तो इट मीन्स यदि ये लेयर्स अपना काम ना करें, या लेयर्स की बजाय मैं ये कहूँ कि इस लेवल के काम यदि ना हो, इस लेवल के फंक्शंस ना हो, तो हम ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं होगा, सेफ कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं होगा, सिक्योर कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात बोलना बेटर है। तो अब तक जो हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी OSI मॉडल की, अब आगे हम चलते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो OSI मॉडल से एग्जैक्टली मैच नहीं करता कि सेम टू सेम सेम हो, सेम टू सेम हो, लेकिन बहुत कुछ उसमें मैच भी करता है, बहुत कुछ उसमें मिलता हुआ भी है। तो जो TCP/IP प्रोटोकॉल है उसके अंदर चार लेयर होती हैं, ठीक है, और जो इसके अंदर होस्ट टू नेटवर्क, उसके बाद इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, ये लेयर्स हैं। तो TCP/IP इज कम्पेयर टू OSI, वी कैन से दैट द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज मेड ऑफ फाइव लेयर्स। देखिए, जब वैसे तो इसके अंदर ये लेयर्स हैं, फोर लेयर्स हैं, लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ OSI मॉडल से तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर ये फाइव लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो फिजिकल, डेटा लिंक लेयर ये आ गया, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये वैसे जो इसमें लेयर्स हैं वो चार हैं, होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन जब मैं इनकी कंपैरिजन करता हूँ, एक दूसरे को उसके ऊपर रख के देखता हूँ, तो मुझे OSI मॉडल के अंदर जब कंपैरिजन करता हूँ तो ये कुछ लेयर्स
मुझे TCP/IP के अंदर दिखाई देती है। जब मैं उसको OSI मॉडल के इक्वेलेंट रखने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या है, ये लेयर्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये सब तीनों मिलके, OSI मॉडल में तीन थी, ये सब मिलके एक हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है। इन सब का को इकट्ठा कर दिया गया है और इसमें ये इसमें प्रोटोकॉल जाते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल जाते हैं, एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल्स ही बोलूँगा मैं तो इनको, जैसे SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP, टेलनेट, ये इसके अंदर प्रोटोकॉल जाते हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं एप्लीकेशन लेवल पर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेवल पर। ये जो यहाँ दिखाया गया है तो ये शो किया गया है OSI मॉडल में क्या है, और जब जो यहाँ दिखाया गया है ये शो किया गया है TCP/IP के अंदर क्या है। तो TCP/IP के अंदर ये एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या है, HTTP, TCP और UDP, ये तीन प्रोटोकॉल इसके अंदर जनरली आते हैं इसमें। और उसके बाद क्या है, नेटवर्क या इंटरनेट। देखिए, जो OSI मॉडल बना था वो नेटवर्क के लिए बना था, जो TCP/IP है वो स्पेशली बना है किस चीज़ के लिए, इंटरनेट के लिए। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की डेफिनेशन हमने दी थी कि जब आपकी कुछ मशीन्स कनेक्ट होती है एक दूसरे से, कुछ सेम काम करने के लिए, कुछ सेम एक सिस्टम डेवलप करती हैं तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटर नेटवर्क, इंटरनेट दो वर्ड से बना, इंटर नेटवर्क मीन्स एक नेटवर्क है उसके बाद दूसरा नेटवर्क है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आप देखिए, आप एक जगह पे बैठे हुए, आपका एक नेटवर्क है। सपोज को आप यूनिवर्सिटी का यूज़ कर रहे हो इंटरनेट, आपका एक नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के आप यहाँ की लैन वायर से या यहाँ के लैन से इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के अंदर हो अभी, और उस नेटवर्क के अंदर रहते हुए आप गूगल से कुछ सर्च करते हो, या आप जीमेल एक्सेस करते हो, या आप यूट्यूब एक्सेस करते हो, या आप रेडिफ मेल एक्सेस करते हो, या आप कोई भी विकिपीडिया सर्च करते हो, तो जब आप उनको सर्च कर रहे हो या उनको चेक कर रहे हो या उनको एक्सेस कर रहे हो, इट मींस क्या हुआ, आपका यूनिवर्सिटी वाला जो नेटवर्क है वो किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ध्यान रखना, इंटर नेटवर्क, दो नेटवर्क्स का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको इंटर नेटवर्क बोला गया है, इंटरनेट बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ जो ICMP और IGMP और RARP और ARP, ये सारे इसके अंदर प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। मैंने आपको बताया था कि TCP/IP के अंदर बेसिकली तो फोर ही लेयर्स होती हैं, एक ये लेयर होगी, एक ये लेयर, ये एक ये लेयर, एक ये लेयर। अब इसके अंदर तो तीन आ गए थे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, और इसको एप्लीकेशन लेयर ही बोला गया था। इसके अंदर एक लेयर आ गई, इसके अंदर एक लेयर आ गई, नेटवर्क लेयर या इंटरनेट, और ये जो है वो प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय द अंडरलाइंग नेटवर्क्स, होस्ट टू नेटवर्क, जो होस्ट है वहाँ से नेटवर्क के साथ वो कैसे कम्युनिकेशन करेगा। तो ये डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर बोलते थे इसके अंदर OSI मॉडल में, लेकिन यहाँ पर इसको होस्ट टू नेटवर्क बोलते हैं। तो ये मॉडल है TCP/IP, फिर बता रहा हूँ कि TCP/IP स्पेसिफिकली फॉर द इंटरनेट्स। फोर लेवल्स ऑफ एड्रेसेस यूज होते हैं इंटरनेट के अंदर, TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर, फिजिकल, लॉजिकल, पोर्ट और स्पेसिफिक। ये लेयर्स इसके ये एड्रेसिंग यूज होते हैं, डिफरेंट एड्रेसेस यूज होते हैं ये।
तो इन एड्रेस के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले जो है इसका स्ट्रक्चर देखिए, एड्रेसेज हैं फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस लिखा हुआ है। इसको एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस भी बोलते हैं, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए होता है ये, तो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस भी होता है। यदि हम इनसे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में देखें तो जब हम मैसेज की बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर पर एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जब हम सेगमेंट की बात करें तो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर का के ऊपर पोर्ट एड्रेस होता है, जब हम डेटाग्राम के ऊपर बात करेंगे तो ये नेटवर्क लेयर के ऊपर लॉजिकल एड्रेस होता है, जब हम फ्रेम की बात करेंगे तो ये फिजिकल एड्रेस होता है डेटा लिंक लेयर पे, इससे एसोसिएटेड होता है। ये मैंने एक आपको मैप दिखा दिया कि क्या चीज़ एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे डेटाग्राम और डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम और उनसे रिलेटेड एड्रेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इनका आपस में एप्लीकेशन लेयर के ऊपर प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, यहाँ पर नेटवर्क लेयर पर ये आईपी एंड अदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस टाइप में प्रोटोकॉल्स दिखाए गए हैं और यहाँ कौन कौन से एड्रेसेस यूज़ होते हैं वो हमने यहाँ शो किया है। देखिए आप अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे और साथ में मैं इनकी डिटेल स्टडी के लिए आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, उस पीडीएफ फाइल से आप इसको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ सकते हैं। फिजिकल लेयर जो है वो जनरली आपको लैन और वैन से के ऊपर आप जो फिजिकल एड्रेस होता है या नोड का एड्रेस होता है वो हम फिजिकल एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल एड्रेस से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको लिंक एड्रेस भी बोलते हैं और ये द एड्रेस ऑफ ए नोड एज डिफाइंड बाय इट्स लैन और वैन साइज एंड फॉर्मेट ऑफ दीज एड्रेसेस, क्या साइज होता है एथरनेट के अंदर या लैन के अंदर, हम स्टैंडर्ड लैन के अंदर हम 6 बाइट या 48 बिट का यूज़ करते हैं, 6 बाइट या 48 बिट का। देखिए यहाँ 48 बिट का मतलब है 6 बाइट और एक वर्ड जो हम बोलते हैं वो हम हाफ बाइट का बोलते हैं कि एक एक जो नंबर होगा हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो एक हेक्साडेसिमल नंबर जो होगा वो हाफ बाइट का होता है, तो हाफ बाइट का हो गया तो टोटल कितने हो गए 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो गई, तो ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। तो एक जो हेक्साडेसिमल डिजिट है वो 4 बिट की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बन गया। फिजिकल एड्रेस कैन बी आइदर यूनिकास्ट, या तो यूनिकास्ट हो सकता है कि एक ही पर्सन से रिलेटेड होगा, एक ही सिंगल रेसिपिएंट होगा, या मल्टीकास्ट होगा जिसके अंदर आप डिफाइन कर दोगे कि ये हैं, इनके ऊपर इनको के पास ट्रांसमिशन हो, ठीक है। या ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट के अंदर आप जो नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम हैं ऑल द सिस्टम्स वो उन सभी के पास वो डिफाइंड होगा, उन सभी का एड्रेस उसमें डिफाइंड होगा। तो ये मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट ये हो गया। तो या तो सिंगल रेसिपिएंट या ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट या ऑल द सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क, इन द नेटवर्क, उन सभी के ऊपर ये ट्रांसमिशन के लिए परमिशन एक्सेस होगी। नेक्स्ट है इसके अंदर फिजिकल एड्रेस को शो किया गया है इस नोड के लिए, जैसे शो किया है ये डिफरेंट नोड है, ये डिफरेंट नोड, डिफरेंट नोड के लिए आपको डिफरेंट, ये यहाँ से यदि कोई चला है तो रास्ते में जितने भी नोड आएंगे वहाँ पर आपको डिफरेंट एड्रेस आपको मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल एड्रेस मिलेंगे। तो फिजिकल एड्रेस जो है वो हॉप टू हॉप चेंज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फिजिकल एड्रेस हॉप टू हॉप चेंज होगा। उसके बाद आता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस आप मोस्टली फेमिलियर हो गए लॉजिकल एड्रेस से, तो IPv4 की बात करते हैं जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं, IPv4 सिस्टम की बात करते हैं तो ये 32 बिट का होता था, और IPv6 के अंदर बात करें तो 128 बिट्स का होता है, 128 बिट्स के अंदर ये हेक्साडेसिमल बिट्स यदि मैं लेता हूँ इसके अंदर तो 32 बिट्स आते हैं यहाँ पे, 32 × 4 128 होता है,
और यदि मैं यहाँ की बात करूँ IPv4 की, तो एक जो डिजिट है वो 4 बिट की है, तो यहाँ पर 8 डिजिट हैं टोटल, टोटल 8 डिजिट हैं, 32 बिट्स हैं, यहाँ टोटल 128 बिट्स हैं, डिजिट 32 हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो लॉजिकल एड्रेस है वो सेम रहता है, वो हॉप टू हॉप चेंज नहीं होता। लॉजिकल एड्रेस जो है वो हॉप टू हॉप चेंज नहीं होता। लॉजिकल एड्रेस आर यूज्ड बाय द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर टू अलाउ पैकेट्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल कनेक्शन ऑफ द नेटवर्क। फिजिकल कनेक्शन के इंडिपेंडेंट आपके पैकेट को नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए, टू वर्क विद द डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड टाइप्स ऑफ मीडिया। डिफरेंट टोपोलॉजीज के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के ऊपर, मीडियम्स, मीडिया में मीडियम्स, डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, कोएक्सियल हो सकते हैं, वायरलेस सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन पर काम करने के लिए आपके जो फिजिकल एड्रेस तो हॉप टू हॉप चेंज होगा, लेकिन जो नेटवर्क एड्रेस है वो आपका सेम रहेगा। नो टू पब्लिकली एड्रेस्ड एंड विजिबल होस्ट ऑन द नेटवर्क कैन हैव द सेम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा। और होप टू होप फिजिकल एड्रेस चेंज होगा, लेकिन लॉजिकल एड्रेस चेंज नहीं होगा। लॉजिकल एड्रेस कैन बी आइदर, यहाँ लॉजिकल एड्रेस की बात हम करते हैं, तो ये सिंगल रेसिपिएंट होता है, या ग्रुप रेसिपिएंट होता है, या ऑल द सिस्टम्स इन द नेटवर्क, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन होती है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर कि आप कितने मैक्सिमम के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वो लिमिटेशन इसमें एग्जिस्ट करती है। ये आपको आईपी एड्रेस यहाँ दिखाया गया है। आईपी एड्रेस यहाँ देखिए, ये फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर यहाँ शो की गई है। तो यहाँ ये डिफरेंट चीज़ें आपको शो की गई हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है। तो आईपी एड्रेस यहाँ शो किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पोर्ट एड्रेस। एक सिस्टम के साथ या एक कंप्यूटर के साथ यदि हम बात करें, तो देर में भी डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स, और यू कैन से डिफरेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन दोज आर रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ चल सकते हैं, या डिफरेंट पोर्ट्स हो सकते हैं। यदि आप लॉजिकली बात करें तो एक कंप्यूटर में डिफरेंट पोर्ट्स हो सकते हैं। जो पोर्ट हैं कंप्यूटर के, जो पोर्ट हैं वो एक एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होते हैं। पोर्ट का नंबर जो है एक एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है, जो पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस चलता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल एड्रेस बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने आईपी एड्रेस बताया, ठीक है, उसके बाद पोर्ट एड्रेस बताया, ठीक है, या एप्लीकेशन स्पेसिफिक बताया, तो ये सारा का सारा जब इकट्ठा चलता है, इकट्ठा मिलके चलता है, कम्बिनेशन चलता है, तब ये कंप्लीट एड्रेस बनता है, ठीक है। और उसके साथ कुछ चीज़ें साथ साथ चेंज होती रहती हैं, कुछ सेम रहती हैं, कुछ चेंज नहीं होती। तो कंप्लीट एड्रेस तभी बनता है, जैसे आप एक लेटर के ऊपर एड्रेस लिखते हो, सबसे पहले आप लिखते हो पर्सन का नेम, वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक मान सकते हो। फिर उसके बाद आप आता है हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नंबर, फिर इसका मतलब वो आप किस जगह का नाम लिख रहे हो, हाउस नंबर दे दिया तो आपने, वो एक तरीके से आप पोर्ट एड्रेस दे रहे हो। उसके बाद फिर आप दोगे, पोर्ट एड्रेस देने के बाद फिर आप उसके किसी कॉलोनी का नाम दोगे, ठीक है, कॉलोनी का नाम दे दिया तो वो क्या है, आईपी एड्रेस। फिर उसके बाद आप सिटी का नाम दोगे, वो आपका फिजिकल एड्रेस, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हो, थोड़ा एग्जांपल देने की कोशिश की है मैंने। तो जो पोर्ट एड्रेस है वो 16 बिट का एड्रेस होता है, मैक्सिमम उसकी लेंथ 16 बिट होती है, ठीक है। और एक वो कोई सिंगल डेसिमल नंबर होता है, जैसे आईपी एड्रेस जो था आपको सिंगल नहीं था, वो उसके अंदर कॉलन लगा के आगे काफ़ी बहुत लंबा था, या यहाँ पे डॉट लगा के काफ़ी लेंथी था। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सिंगल होता है, सिंगल आपको नंबर देखने में मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ आप देख सकते हो, हेयर आर डिफरेंट एप्लीकेशन, हेयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस, उन एप्लीकेशंस के लिए, या आप पोर्ट्स कह सकते हैं, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, उन पोर्ट्स का अपना एक एड्रेस होता है। उसके बाद है लास्ट में एप्लीकेशन स्पेसिफिक।
जब किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यूज़र फ्रेंडली एड्रेस, जहां से यूज़र उसको पहचान सके, यूज़र उसको जान सके, तो ऐसा एक एड्रेस वहां क्रिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ईमेल आईडी देखते हैं तो ecdepartment@gjust.com.org, तो ये एक ईमेल एड्रेस है जो यूज़र फ्रेंडली है। कोई नंबर यदि आपको दे दिया जाए तो आप नंबर याद नहीं रख सकते। यदि आपको नंबर्स दे दिए जाएं, इस तरीके के नंबर दे दिए जाएं, ऐसे कोई नंबर दे दिए जाएं, तो आप ये नंबर थोड़ी याद रख सकते हो। इट्स बेटर, आपको पता भी होगा वैसे ये चीज़ कि जब भी आप कोई साइट लिखते हैं, कोई यूआरएल लिखते हैं, तो उस रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो क्या है कि उसके अंदर उसका फिर एक न्यूमेरिक में एड्रेस बनता है। वो एड्रेस आपको नहीं दिखता, वो मशीन के यूज़ के लिए होता है, बट वो यूनिक होता है उससे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की। और वो क्या है कि वो यूज़र फ्रेंडली क्रिएट किया जाता है कि जिससे आप जो यूज़र उस पर काम कर रहा है वो उसको अच्छे से समझ पाए। तो जैसे ईमेल एड्रेस की आप बात करते हैं तो ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, लेकिन ये इस तरीके से मशीन कम्युनिकेट नहीं करेगी। मशीन जो कम्युनिकेट करेगी वो तो इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके फिर करेगी। ऐसे ही जब आप एक यूआरएल की बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट कर जब मशीन जब उसको यूज़ करेगी तो एक नंबर में कन्वर्ट करके तब करेगी। ठीक है, द फर्स्ट डिफाइंस द रेसिपिएंट ऑफ ईमेल एंड द सेकेंड यूज टू फाइंड द डॉक्यूमेंट ऑन द www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये सारे एड्रेसेस हो गए और हमने मोस्टली सब चीज़ें कवर की हैं। और कुछ चीज़ें जो लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ कवर नहीं किया TCP/IP के अंदर, वो OSI मॉडल के अंदर मैंने सारी लेयर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वहाँ से आप वो चीज़ सेम आप इसको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, जो चीज़ मैंने OSI मॉडल में एक्सप्लेन की है तो वो सेम चीज़ आप यहाँ कर सकते हो। तो ये हमारा मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे स्टार्ट करेंगे, हम उसमें एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।